हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेप्रोसी के बारे में। गाइज, लेप्रोसी को हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ रोग और इसे साथियों हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। हैंसन डिसीज इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि हैंसन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस लेप्रोसी डिसीज के बारे में बताया था। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। गाइज, आज की इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लेप्रोसी से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए लेप्रोसी। लेप्रोसी लेप्रोसी डिसीज, इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों कुष्ठ रोग या फिर भैया कोड, इसे कोड भी कहा जाता है साथियों। और मैं बात करूं साथियों तो इसे हैंसन डिसीज भी कहा जाता है। हैंसन डिसीज इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि भैया हैंसन नाम के एक वैज्ञानिक ने साथियों सबसे पहले लेप्रोसी के बारे में बताया, इस लेप्रोसी जो रोग है साथियों इसके बारे में बताया। इतनी बात क्लियर आपको? ओके भैया, और बात करते हैं। देखिए, जो लेप्रोसी डिसीज है साथियों ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, कहने का मतलब यह है साथियों कि भैया जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। कौन सी साथियों? लेप्रोसी। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों कि लेप्रोसी एक बीमारी है जीवाणु से होने वाली या फिर वायरस से होने वाली या फिर साथियों प्रोटोजोवा से होने वाली या फिर कवक से होने वाली। तो दोस्तों याद रखना, जो लेप्रोसी है भैया ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। अब बात आती है साथियों कि किस जीवाणु से होती है। देखिए, पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है साथियों रोगजनक। जिसने साथियों इस रोग को जन्म दिया है उसके बारे में आपको बताना है। तो वो एक साथियों बैक्टीरिया है, और कौन सा है साथियों? तो माइको बैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम लेप्री, ये एक बैक्टीरिया है साथियों। इसी के कारण भैया आपको ये रोग होता है। कौन सा? ये लेप्रोसी डिसीज, जिसे आप कुष्ठ रोग या कोड या फिर हैंसन डिसीज भी कहते हो। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये एक बैक्टीरिया है साथियों, और इसी के कारण भैया आपको ये बीमारी होती है। देखिए, पैथोजन क्या होता है? कोई सूक्ष्म जीव आपकी बॉडी में आया और आपको बीमार कर गया। अब ये सूक्ष्म जीव साथियों कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई कवक हो सकता है, या फिर कोई ऐसा सूक्ष्म जीव हो सकता है जो आपकी बॉडी को बीमार करके जा सकता है। वो होता है साथियों पैथोजन, रोगजनक, जिसने इस रोग को जन्म दिया है। कौन से रोग को? इस लेप्रोसी को। इस लेप्रोसी का रोगजनक पैथोजन कौन सा हो गया साथियों? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसके वेक्टर की, इसके वाहक की। वेक्टर, वाहक, देखिए इसका वाहक क्या है भैया? इसका वाहक है एयर। एयर यानी कि हवा। और साथियों अगर हवा है तो भैया पानी भी हो सकता है, और भैया आपके भोजन से भी आपके शरीर में ये बैक्टीरिया पहुंच सकता है। अगर आपकी त्वचा भी साथियों इसकी वाहक है, क्योंकि अगर आप देखिए ये जो लेप्री बीमारी है, लेप्री डिसीज है साथियों, कुष्ठ रोग है, कोड रोग है, ये छुआछूत वाली बीमारी है। अगर किसी इंसान को ये बीमारी है, अगर आपकी त्वचा और उसकी त्वचा आपस में संपर्क में आ जाती है साथियों, तो आपको ये बीमारी हो जाती है। ये बीमारी साथियों हाथ मिलाने से फैलती है, ये बीमारी आपस में कपड़े पहनने से फैलती है। छुआछूत वाली बीमारी है साथियों, अगर आप उसके टच में आते हो, उसके गले लगते हो साथियों, तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। साथियों इसके लिए कहा गया है कि ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है। हाईली कम्युनिकेबल डिसीज, कहने का मतलब अत्यधिक संक्रमित रोग है साथियों, बहुत ज्यादा फैलने वाली ये एक बीमारी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बैक्टीरिया कहाँ हो सकता है साथियों? हवा में हो सकता है, हवा से साथियों पानी के थ्रू, भोजन के थ्रू हमारे शरीर में आ सकता है, और आपको भैया ये बीमारी हो सकती है, लेप्रोसी डिसीज।
बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण की। तो देखिए भैया, इसके लक्षण क्या क्या है? आपकी त्वचा में इन्फेक्शन करता है इस बीमारी में, आपकी त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है। शरीर में कमजोरी महसूस होती है, आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती है, आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती है। साथियों बोलो, मैंने कहा कि आपकी त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके शरीर में कमजोरी महसूस होती है, आपकी त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। त्वचा पर फफोले, या फिर चकते कह सकते हो आप, इतने बड़े बड़े से साथियों, आपकी त्वचा पर फफोले पड़ने लग जाते हैं, त्वचा पर फफोले पड़ने लग जाते हैं। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? ओके। और बात करें साथियों, तो इसमें आपकी जो त्वचा है साथियों, वो त्वचा भैया गलने लग जाती है, आपकी त्वचा दोस्तों इसमें गलने लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये बीमारी, होता क्या है आपके पूरे शरीर पर साथियों, इतनी बड़ी बड़ी इसमें क्या हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, चकते पड़ जाते हैं, और साथियों ये फफोलों में पस पड़ जाती है। और साथियों जैसे ही ये पस, जैसे ही ये फफोला फूटता है साथियों, तो इससे एक लिक्विड बाहर निकलता है। जैसे ये लिक्विड दूसरी त्वचा के संपर्क में आता है, उसके पास में अगर त्वचा पे, अगर ये त्वचा पे ही गिरेगा, त्वचा के संपर्क में आता है, तो साथियों वहां पर भैया दूसरा फफोला बन जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है साथियों, ये हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है साथियों, यानी कि अत्यधिक संक्रमित होने वाली बीमारी है, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है, बहुत कम समय में साथियों लाखों आदमियों को फैल सकती है। और साथियों एक समय ऐसा था साथियों, इस बीमारी से लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी। फिलहाल साथियों भारत को उन्मूलन घोषित कर दिया गया है इस रोग से, भारत में यह बीमारी नहीं है, लेकिन विदेशों में जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में अब भी इसके केस मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत, अब भारत में यह बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता था साथियों, पहले उस टाइम पर जब इसकी कोई दवा नहीं थी, उस टाइम पे क्या होता, जैसे कि ये त्वचा को गला देता है, अगर रात आप सोए इसमें त्वचा गल जाती है, आप जैसे ही सुबह, आपके मान लीजिए आपके शरीर पे ये बीमारी है, आपकी त्वचा गल गई, और साथ ही जब आप सुबह उठते हो तो हाथ में 5 अंगुली होती है ना, उसमें से 1 अंगुली गिर के नीचे गिर जाती है। इतनी खतरनाक बीमारी थी कोई टाइम पे ही, लेकिन इसका समय के साथ ट्यूब आने लग गई, उसको लगाने लग गए, और इसका बहुत तगड़े से उपचार किया गया था साथियों WHO के द्वारा। देखिए WHO के द्वारा 1981 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, MDT। MDT की फुल फॉर्म होती है साथियों मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी या मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसके तहत साथियों लोगों को बताया गया था, इसके लक्षण बताए थे कि ये कैसे बीमारी फैलती है, इसको जागरूक करने के लिए बताया गया था, और इनके लिए साथियों टेबलेट दी गई थी, यानी कि औषधियाँ दी गई थी साथियों इस बीमारी से बचने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों कि MDT की फुल फॉर्म क्या होती है और MDT का संबंध किस रोग से है। तो ये सारी बीमारी है साथियों बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा फैलती है, हाथ मिलाने से फैलती है, छुआछूत वाली बीमारी है, गले लगने से फैलती है, अगर इस रोगी के आप कपड़े पहनते हो तो आपको ये बीमारी फैल सकती है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लेप्रोसी जो डिसीज है साथियों, जिसे हिंदी में कहा जाता है कुष्ठ रोग, इसे हिंसन रोग क्यों कहा जाता है? या फिर पूछा जा सकता है साथियों, हिंसन रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंसन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले लेप्रोसी के बारे में बताया था, इसे हिंसन डिसीज भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है, जिस पैथोजन से, जिस बैक्टीरिया से ये फैलती है साथियों, उस पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसका वेक्टर क्या है? तो वेक्टर हवा है साथियों और त्वचा है। अगर हवा में बैक्टीरिया रह सकता है साथियों, तो ये पानी के थ्रू भी आपके शरीर तक पहुंच सकता है, भोजन के थ्रू भी आपके शरीर तक पहुंच सकता है। मैंने कहा कि हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी कि बहुत अधिक अत्यधिक संक्रमित रोग है, यानी कि बहुत ज्यादा फैलने वाली एक बीमारी है, बहुत कम समय में बहुत अधिक लोगों को फैल सकती है ये बीमारी, इसलिए साथियों से हाईली कम्युनिकेबल डिसीज में रखा गया है। इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, त्वचा पर फफोले पड़ने लग जाते हैं, त्वचा गलने लग जाती है। साथियों इस त्वचा पर फफोले ऐसे पड़ते हैं, मान लीजिए कोई त्वचा है, उस त्वचा पर इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए, इसमें पस पड़ जाता था, और जैसे ही साथियों ये फफोला फूटता था तो इससे एक लिक्विड निकलता था, ये लिक्विड जैसे ही किसी त्वचा के संपर्क में आता है तो उस त्वचा पर नया फफोला हो जाता था।
इसलिए बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती थी साथियों। जैसे ही हाथ आपने मान लीजिए रोगी से हाथ मिलाया, गले लगे, उसके कपड़े पहने, तो आपकी बीमारी खटाक से हो जाती थी। साथ ही इसमें त्वचा हमारी गल जाती थी। जैसे कि पहले होता क्या था साथियों, जैसे आपके हाथ में ये रोग हो गया, ठीक है, आपकी अंगुली गल गई, तो गल कर साथियों नीचे गिर जाती है। आप जैसे ही सुबह उठते हो, देखते हो, तो आपकी एक अंगुली टूट कर नीचे गिर गई, इसमें त्वचा गलती थी साथियों आपकी, बहुत खतरनाक बीमारी थी। और WHO के द्वारा 1981 में MDT एक कार्यक्रम चलाया गया था, मल्टी ड्रग थेरेपी बहुऔषधीय उपचार, इसे हिंदी में कहा जाता है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया था, इसके लोगों को लक्षण बताए थे कैसे बीमारी फैलती है, और इनके लिए साथियों दुआएं दी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैथोजन वेक्टर क्या है, सिम्टम्स क्या है, यह हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, WHO ने कौन सा लेप्रोसी डिसीज के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो MDT मल्टी ड्रग थेरेपी बहुऔषधीय उपचार। तो गाइज आज यहीं तक ही रखते हैं, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा जल्दी में था इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाई, सॉरी उसके लिए। आशा करता हूँ जो जानकारी थी साथियों आपको दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले से बहुत अच्छे से आपका ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।